कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आपके लिए सटीक राशिफल ले आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। दोस्तों पूरी वीडियो देखना, पूरी जानकारी के लिए, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम वीडियो बनाते हैं, दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर आपके लिए हम सती जानकारी लेते हैं। वीडियो को मिस मत करना, पूरी वीडियो देखना। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर वीडियो आधा अधूरा मत देखना। दोस्तों, नहीं तो आधा अधूरा है जानकारी ही पाओगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको शायद ही कहानी किसी ने आपको बताया होगा या सुना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। राशि चक्र में 301 से 330 डिग्री तक के क्षेत्र को कुंभ राशि के नाम से जाना जाता है। राशि क्रम में कुंभ का नंबर 11वां है और यह वायु तत्व की तीसरी राशि है। कुंभ राशि के प्रकार या स्वभाव की बात करें तो यह एक फिक्स साइन मतलब अचर या स्थिर राशि है। कुंभ राशि चक्र का एक इंटरेस्टिंग साइन है जो ट्रेडिशन और इनोवेशन का एक शानदार मिक्स होते हैं। वे इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जिनमें अपने फ्यूचर को देखने की जन्मजात क्षमता होती है। कुंभ अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग कर न सिर्फ चीजों की गहराई को जान सकते हैं, बल्कि उसे आसानी से वास्तविकता में भी बदल सकते हैं। कुंभ बड़े दृष्टिकोण के साथ दुनिया को जीने के लिए बेहतर जगह बनाने का प्रयास करते हैं। वे समाज और अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए एक्टिवली सोशल जस्टिस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अंग्रेजी कहावत बी ए गुड लिसनर कुंभ के चरित्र को बेहतर ढंग से पेश करती है। कुंभ आशावादी होने के साथ ही बेहतरीन श्रोता भी होते हैं। वे चिंताओं और तनाव से बचने के लिए अपनी लाइफ को सरल और सजा बनाए रखने का प्रयास करते हैं। कुंभ मेंटली स्टेबल और फोकस्ड होते हैं जो उन्हें अधिक सहने और कम रिएक्ट करने की क्षमताएं भी देता है। कुंभ को अपनी आज़ादी से बहुत प्यार होता है। वे अपनी आज़ादी पर लगाए गए किसी भी तरह के अंकुश को सहन नहीं करते और ऐसा महसूस होने पर उस संबंध से दूरी बनाने लगते हैं या खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। कुंभ एक्वेरियस को राशि चक्र के रिबेल्स के रूप में भी जाना जाता है। वे इनोवेशन के पक्षधर होते हैं लेकिन ट्रेडिशन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुंभ के लिए दुनिया को बेहतरीन बनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है। वे सदैव दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। हालांकि वे समाज के प्रति झुकाव रखते हैं, लेकिन उनके फैसले इमोशन से नहीं बल्कि समझ और दूरदृष्टि से प्रेरित होते हैं। वे अपने आसपास के लोगों को अपनी रोजमर्रा की लाइफ से बाहर आकर जीवन को पूरी तरह एंजॉय करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। कुंभ राशि चिन्ह। कुंभ का प्रतीक चिन्ह जल से भरा घड़ा है जो जीवन के सूचक जल को जमीन पर पहुंचाने का काम करता है। इस चिन्ह में बताया गया घड़ा आपकी संवेदनशीलता का भी प्रतीक होता है और जल समाज के प्रति आपके समर्पण को दर्शाने का काम करता है। जीवन के प्रति आपका नजरिया बड़ा और विस्तृत होता है और आप समाज में बदलाव लाने के लिए कड़े प्रयास भी करते हैं। कुंभ के स्वामी शनि हैं, जिन्हें वैदिक ज्योतिष में न्यायाधीश का पद प्राप्त है। शनि को कर्मों के आधार पर न्याय करने के लिए जाना जाता है। शनि मनुष्य के सभी कर्मों के आधार पर उसे फल देने का काम करते हैं। हालांकि शनि की न्यायप्रियता के कारण उन्हें कई बार अनिष्ट और अमंगलकारी भी मान लिया जाता है। शनि व्यक्ति को अनुशासित और मेहनती बनाने का काम करते हैं। कुंडली के 11वें हाउस पर कुंभ का शासन होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 11वें भाव को लाभ स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध दोस्तों उम्मीदों और सपनों से होता है।
ग्यारहवां भाव का संबंध आपकी डे टू डे रिस्पांसिबिलिटी से नहीं होता है, बल्कि इसका संबंध आपकी आइडियल सिचुएशन और वहां तक पहुंचने के तरीकों के बारे में है। चाहे आप सफल हो या ना हो, सपनों को जीवित रखने का काम इस घर से होता है। कुंभ राशि चक्र का तीसरा एयर साइन है। इसके अलावा मिथुन और तुला भी वायु तत्व की राशियां हैं। वायु संकेत मन, बुद्धि और कम्युनिकेशन जैसी चीजों का प्रतिनिधित्व करती है। वायु तत्व लाइफ के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है। वायु तत्व से संबंधित होने के कारण ही आप किसी एक समस्या के हल के लिए अलग अलग तरह से सोच पाते हैं। एयर साइन का संबंध आपके विचारों से भी होता है, जो आपको अपने विचारों को धरातल पर उतारे में भी मदद करता है। फिक्स्ड मतलब स्थिर संकेतों को सिक्योर और लंबे समय तक चलने के लिए जाना जाता है। स्थिर संकेत मजबूत, कंसिस्टेंट और अपने अपने विचारों को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। वे कई विरोधों के बावजूद भी अपने लक्ष्य और विचारों को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। फिक्स्ड साइन की इसी विशेषता को कुंभ प्रदर्शित करते हैं। वे क्रिएटिविटी के साथ काम की शुरुआत करते हैं और उसे अंत तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिक्स्ड साइन में खुद को व्यक्त करने की गजब की क्षमता होती है। कुंभ के स्वामी शनि हैं, जिनका रत्न नीलम है, जिसे अंग्रेजी में ब्लू सफायर के नाम से जाना जाता है। नीलम रत्न को कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बेहद लकी माना जाता है। नीलम को लेकर यह बात विख्यात है कि नीलम यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको सूट करता है, तो आपको अपनी लाइफ में बड़े पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि यह आपको सूट नहीं करता है, तो इससे आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की भी संभावना होता है। कुंभ के लिए नीलम भाग्योदय का रत्न है, लेकिन इसे किसी जानकार ज्योतिष की सलाह पर ही धारण करना चाहिए। कुंभ राशि के लोगों के लिए नीलम उनकी गंभीरता को बैलेंस करने का काम करता है। यह रत्न आपकी लाइफ में मानसिक शांति और सुख चैन लाने का भी काम करता है। मेंटल प्रॉब्लम या डिप्रेशन में फंसे लोगों के लिए नीलम को बेस्ट माना गया है। कुंभ का लकी कलर नीला या ब्लू है। कुंभ के लाड शनि का फेवरेट कलर भी नीला है। आकाश और जल के रंग से जुड़ा यह कलर एनर्जी का भी सूचक है। कुंभ राशि के लोगों के लिए यह रंग ऊर्जा के स्रोत की तरह हो सकता है, जो उनकी एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। ब्लू कलर कुंभ को पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में हेल्प करता है। नीला रंग इनोवेश का भी रंग है। यह जीवन में आपके विचारों और विरोधाभास को भी खत्म करने का काम करता है। कुंभ के लिए नीले रंग के अलावा फिरोजी, वायलेट और सफेद रंग भी लकी हो सकते हैं। कुंभ राशि के साथ मेष और धनु के मेल को आइडियल माना गया है। कुंभ की बौद्धिकता, मौलिकता और मिलनसार नेचर मेष और धनु जैसे फायर साइन के साथ अच्छे से मैच करता है। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी तत्व वृषभ और जल तत्व वृश्चिक के साथ कुंभ के संबंध चुनौतियों भरे हो सकते हैं। साफ शब्दों में कहें तो कुंभ के साथ वृषभ और वृश्चिक का मैच बिल्कुल सफल नहीं माना जा सकता है। वृश्चिक का तीव्र और डोमिनेटिंग नेचर कुंभ के साथ कारगर नहीं, वहीं वृषभ का स्थिर स्वभाव भी कुंभ को परेशान कर सकता है। पारंपरिक ज्योतिष में कुंभ और कर्क की जोड़ी को भी थोड़ा अजीब माना गया है, हालांकि इनके बीच की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान संभव है। सिंह के मामले में यह कहा जा सकता है कि यदि वे दोनों खुले दिल से एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास करें, तो उनके संबंध भी बेहतर हो सकते हैं। सनातन पुराणों में शनि देव को लेकर कई तरह की व्याख्याएं देखने को मिलती है। वैदिक ज्योतिष से संबंधी इस दुनिया में दोस्तों आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले, आपके खिलाफ चल चलने वाले अब बहुत आ गए हैं। जी हम तो सही सुना आपने लोगों से। आपकी खुशियां हजम नहीं होती, लोगों से आपकी हंसी अच्छी नहीं जाती और लोग आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, इसीलिए कुछ लोग आपके खिलाफ चल चलते हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं। ऐसे ही लोगों से दोस्तों आपको समय रहते पीछा छुड़ाना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़े बड़े राज बताने वाला हूँ। सारी बातें सुनने के बाद, जानने के बाद आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे राज है
जो आपने आज से पहले देखे नहीं होंगे, सुन नहीं होंगे। आप बस थोड़ा समय निकले और वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे, मैं आपको सारी महत्वपूर्ण बातें विस्तार से बताऊंगा। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से जय माता भद्रकाली हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जिनके सिर पर माता रानी का हाथ होता है, उनकी तरक्की सदैव होती रहती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिनों में कुछ ऐसी एक स्त्री से आपका सामना होने वाला है, जिसे ईश्वर ने स्वयं आपके लिए चुना है और आपके जीवन में अब भेजने वाले हैं, ताकि अब आप भी अपने जीवन में खुश हो जाए, क्योंकि आपने बहुत ही दुख सहा है, बहुत ही दर्द सहा है। और आपको बता दे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने दुखों को, अपने दिल में छुपे दर्द को किसी के साथ भी साझा नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी अपने मन में चल रही बातों को बता नहीं पाते हैं। यूँ कहें तो आपके आसपास कोई ऐसा है ही नहीं जो आपके दुखों को सुन सके, जिसे आप अपना समझ के उन्हें सब कुछ बता सके। आपने पिछले समय में जिसे भी अपना माना है, उनसे बहुत बड़ा धोखा खाया है। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें आपने अपना सब कुछ समझ बैठे थे, वही आपको कुछ भी नहीं समझते थे। कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन में आई थी, जिसके वजह से आपका लोगों से भरोसा ही उठ गया था। आप किसी को चाहते हुए भी अपने दिल की बातों को नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे में ईश्वर आपके दुखों को ही कम करने के लिए, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को बताने के लिए, अपने दिल में छुपे दर्द और बोझ को हल्का करने के लिए इस स्त्री को आपके पास भेजेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको जानकारी चलिए बता दें, ये स्त्री सिर्फ महिला के साथ साथ पुरुष के भी जीवन में आएंगी। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही लोगों के जीवन में इस स्त्री का सामना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए भी ये बातें बताई जा रही है। इसलिए आपको बता दे, ये स्त्री आपके जीवन को बेरंग से रंगीन करने वाली है। जैसे ही स्त्री के कदम आपके जीवन में पड़ेंगे दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे ऐसे बड़े चमत्कार होंगे, ऐसी ऐसी खुशियां आपको मिलेंगी, ऐसे ऐसे आपको घटनाएं देखने को मिलेंगे जो आपको अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं होंगे। दोस्तों, आपका मन इस समय जिस भी बात को लेकर बहुत ही परेशान है, आपके मन में बहुत बड़ा तूफान यदि उठा हुआ है, तो उस तूफान को यह स्त्री शांत कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन है ये स्त्री और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जाना ये स्त्री आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी, अब हम बात करेंगे कि इसे आपको पहचानना कैसे है और इसका नाम क्या होने वाला है और ये किस जगह पर मिलेगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो भी प्रभु श्री राम व संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम संकट मोचन हनुमान जी की जय हो जरूर लिखें। दोस्तों, प्रभु श्री राम और संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। आपके और आपके पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो आप जरूर लिखिए दोस्तों, अपने अपने जीवन में अच्छा और बड़ा दोनों समय देखा है। जब अच्छा समय था तो आपके पास पैसा था, धन दौलत ही ऐश आराम था, आपके रिश्तेदार आपके आसपास मंडराते रहते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बुरा समय आता ही पैसों से पहले रिश्तेदार दूर भाग जाते हैं, यही जीवन की सच्चाई है। अपने अपने जीवन में दोस्तों कई सारे कासन का, कई सारी मुसीबत का सामना किया। आपने अपने जीवन काल में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, ना कभी किसी के साथ चलकर कर किसी के साथ धोखा कर गलत कमाई करी। लेकिन इस दुनिया में दोस्तों, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले, आपके खिलाफ चल चलने वाले अब बहुत आ गए हैं। जी हम तो सही सुना, आपने लोगों से आपकी खुशियां हजम नहीं होती, लोगों से आपकी हंसी अच्छी नहीं जाती और लोग आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते।
इसीलिए कुछ लोग आपके खिलाफ चल चलते हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं। ऐसे ही लोगों से दोस्तों आपको समय रहते पीछा छुड़ाना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़े बड़े राज बताने वाला हूँ। सारी बातें सुनने के बाद, जानने के बाद आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे राज हैं जो आपने आज से पहले देखे नहीं होंगे, सुन नहीं होंगे। आप बस थोड़ा समय निकले और वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं आपको सारी महत्वपूर्ण बातें विस्तार से बताऊंगा। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से जय माता भद्रकाली हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों जिनके सिर पर माता रानी का हाथ होता है, उनकी तरक्की सदैव होती रहती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिनों में कुछ ऐसी एक स्त्री से आपका सामना होने वाला है, जिसे ईश्वर ने स्वयं आपके लिए चुना है और आपके जीवन में अब भेजने वाले हैं, ताकि अब आप भी अपने जीवन में खुश हो जाएं, क्योंकि आपने बहुत ही दुख सहा है, बहुत ही दर्द सहा है। और आपको बता दे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने दुखों को, अपने दिल में छुपे दर्द को किसी के साथ भी साझा नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी अपने मन में चल रही बातों को बता नहीं पाते हैं। यूँ कहें तो आपके आसपास कोई ऐसा है ही नहीं जो आपके दुखों को सुन सके, जिसे आप अपना समझ के उन्हें सब कुछ बता सके। आपने पिछले समय में जिसे भी अपना माना है, उनसे बहुत बड़ा धोखा खाया है। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें आपने अपना सब कुछ समझ बैठे थे, वही आपको कुछ भी नहीं समझते थे। कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन में आई थी जिसके वजह से आपका लोगों से भरोसा ही उठ गया था। आप किसी को चाहते हुए भी अपने दिल की बातों को नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे में ईश्वर आपके दुखों को ही कम करने के लिए आपके जीवन में चल रही परेशानियों को बताने के लिए, अपने दिल में छुपे दर्द और बोझ को हल्का करने के लिए इस स्त्री को आपके पास भेजेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको जानकारी चलिए बता दे, ये स्त्री सिर्फ महिला के साथ साथ पुरुष के भी जीवन में आएंगी। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही लोगों के जीवन में इस स्त्री का सामना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए भी ये बातें बताई जा रही है। इसलिए आपको बता दे, ये स्त्री आपके जीवन को बेरंग से रंगीन करने वाली है। जैसे ही स्त्री के कदम आपके जीवन में पड़ेंगे दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे ऐसे बड़े चमत्कार होंगे, ऐसी ऐसी खुशियां आपको मिलेंगी, ऐसे ऐसे आपको घटनाएं देखने को मिलेंगे जो आपको अपने ही आँखों पर विश्वास नहीं होंगे। दोस्तों आपका मन इस समय जिस भी बात को लेकर बहुत ही परेशान है, इन 3 राशि वालों से बच कर रहे। मेष राशि, बताइए सबसे पहली राशि का नाम मेष है, यानी अगर आप मेष राशि के किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का व्यवहार रखते हैं, या उनके साथ कोई बड़ी चीज कर रहे हैं, या उनके साथ घूमने के लिए जाते हैं, तो ऐसे में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इस राशि के लोगों की कुंभ राशि वाले लोग से ज्यादा नहीं मिलते, तो ऐसे में कुंभ राशि के लोगों को इस राशि के लोगों से बचकर ही रहना चाहिए। प्यार और व्यवहार हर चीज में कुंभ राशि से दुश्मनी की तलाश है ये राशि वाले लोग। वृश्चिक राशि, इसके बाद हम वृश्चिक राशि वाले लोगों के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि के जातकों को इस राशि वाले लोगों से अधिक मित्रता नहीं रखनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर आप इस राशि के किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा समय तक प्यार करें, टिक टिक न करें, और आपके रिश्ते के भी सभी रास्ते बंद हो जाएं। इसलिए हम तो कुंभ राशि वालों से यही कहते हैं कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के प्यार में न पड़े और खुद को टूटने से बचाएं। और यदि आप हिम्मत करके किसी को कुछ बताते भी हैं, जो लोग आपकी बातें समझ नहीं पाते हैं, उल्टे सीधे आपकी बात ओके मतलब निकाल कर फिर आपसे तमाम तरह के फूल जरूर बातें करते हैं, जिससे आपका मन और खराब हो जाता है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन काल में एक ऐसी ग्रहदशा बनने जा रही है
आपकी चिंताओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी और आपको एक विशेष लाभ दिलवाने वाली है। बस इसके लिए आपको करना यह है कि उस ग्रह दशा को अच्छी तरह से समझना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर कुछ आपको उपाय भी करने होंगे। जिन दोस्तों के जीवन में कुछ ना कुछ तो बात है ही, आपके जिन्स वजह से आपके जीवन में जो असंतुलन बना हुआ है, आपकी मानसिक अस्थिरता बनी हुई है, आपके जीवन में जो रुपए पैसे को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसका कुछ ना कुछ तो कारण है, कोई ना कोई तो बाधाएं हैं। उन बाधाओं बहुत आवश्यक है, अन्यथा किसी भी देवी देवता की कृपा या फिर किसी भी प्रकार की ग्रह दशा आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं लेकर आ पाएगी। ये दोस्तों, आप यकीन मानिए कि हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं, वह बहुत ही खोजबीन के बाद, बहुत गहरे अध्ययनों के बाद आपके सामने लेकर आते हैं। इस जानकारी के माध्यम से आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखते हैं। बस करना आपको इतना है कि चीजों को बस अच्छी तरह से समझ लेना है और उनका सही संतुलन बनाने की कोशिश करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।